प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर गॉडविल लर्नर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयपाल सिंह, संस्कृत टीचर, आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप घर पर बैठे हुए भी आप अपने विद्या को ग्रहण करिए और समय का सदुपयोग करते रहिए। एक सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो ये समय चल रहा है हमारा दैवी आपदा का लॉकडाउन चल रहा है, क्या इस लॉकडाउन के नियमों का भी आप पालन कर रहे हैं? हमेशा हमें इस सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, अपने आप को भी बचाना चाहिए, अपने परिवार को बचाना चाहिए, जिससे हम राष्ट्र को आगे की ओर ले जाने का काम कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले आपको वंदना नामक पाठ से चार श्लोक पढ़ाए हुए, आज फिर मैं जो बचे हुए दो श्लोक हैं आज उन्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। अतः आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और देख लीजिए, आप अपना समय को ठीक ठाक तरीके से सदुपयोग करें। प्यारे बच्चों, श्लोक नंबर 5 है, काले वसंतु पर्जन्य। पर्जन्य कहते हैं बालों को, वसंतु वर्षे काले समय पर। इसमें प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारे देश में समय पर बादल बरसते रहे। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखिए, काले वसंतु पर्जन्य। हे प्रभु, देश में समय पर वर्षा होती रहे, समय पर बादल बरसते रहे, जिससे क्या हो, जिससे पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी जो है हमारी धरा, हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाए, जिससे हमारी पृथ्वी सस्यशालिनी का अर्थ है हरी भरी हो जाए। हे प्रभु, बादल समय पर बरसते रहे, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो। देशो अयम, अयम यह देशो देश, यह देश अक्षोभ रहित है, शोक से रहित हो, यह देश शोक से रहित हो, सज्जना संतुक निर्भया। और जो हमारे सज्जन पुरुष है, सभ्य पुरुष है, संतु होवे निर्भया निडर, निर्भय होकर रहेगा, यह इस देश में, यह देश शोक रहित हो और हमारे सभ्य पुरुष सज्जन हो, निर्भय होकर इस देश में रहे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग फिर से देख लीजिएगा, काले वसंतु पर्जन्य, समय पर बादल बरसते हैं, बरसते रहे, पृथ्वी सस्यशालिनी, जिससे हमारी पृथ्वी हरी भरी हो जाए, हरी भरी रहे। देशो अयम, यह देश शोक रहित है, शोक से रहित हो जाए, सज्जना संतु निर्भया, और सज्जन पुरुष निर्भय होकर इसमें निवास करें। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक नंबर 5 से अब नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें प्रार्थना की गई है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत् कृपा परमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। हम यो जो यत् कृपा है इसे उठा करके सबसे पहले ले जाएंगे। यत् माने जिसकी कृपा, माने कृपा से, जिसकी कृपा से, हे भगवान, जिसकी कृपा से, आपकी कृपा से, मुखं करोति वाचालं, गूंगा व्यक्ति भी बोलने में सक्षम हो जाता है। गूंगा मुखं का मतलब होता है गूंगा व्यक्ति, करोति बोलने लगता है, वाचालं का मतलब बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, बोलने में समर्थ हो जाता है। पंगु लंगड़ा, लंगे लंग जाता है या पार कर जाता है, गिरी माने पर्वत को, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। तम अहम, मैं उसे
वंदे नमस्ते करता हूं परम आनंद, बहुत अधिक आनंद को देने वाले महात्मा माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, जिसकी कृपा से, आपकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने में समर्थ हो जाता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है, उसकी कृपा से, उसी कृपा से मैं उस परम आनंद परमात्मा को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे भली भांति देख लीजिएगा और अपने समय को सही तरीके से चलाते हुए एक बार रोज अवश्य अपने इस संस्कृत के चैप्टर को देखते रहे और अपनी पढ़ाई को यथावत घर पे ही चलाते रहें। आज के लिए इतना ही। आप इसे अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का कष्ट करें तो इससे लाभ उठाएं। आप जो आपका लिखित वर्क है वो आपको अगली कक्षाओं में, अगले पीरियड्स में दिया जाएगा। इस आपको ध्यान रखते रहें।